आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। खाटू श्याम महाराज के दीवानों की टोली यहां पर निकलते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव पर निशान यात्रा व संकीर्तन का आयोजन शनिवार 16 नवंबर को किया गया। श्याम परिवार समिति के तत्वावधान में निशान यात्रा 16 नवंबर को अपराह्न 3 बजे श्री राम मंदिर शुक्रवारी स्थित श्री राम मंदिर से आरंभ होकर निर्माणाधीन श्री श्याम मंदिर नागपुर रोड पहुंची। यात्रा में 251 निशान अर्थात ध्वज सहित सनातनी बंधु समस्त श्याम भक्त शामिल हुए। निशान यात्रा शुक्रवारी राम मंदिर से प्रारंभ होकर नेहरू रोड, दुर्गा चौक, ढीमरी मोहल्ला, महावीर मड़िया, छिंदवाड़ा चौकों से होती हुई नागपुर रोड श्री श्याम धाम लगभग 6:30-7 बजे के लगभग पहुंची। मीडिया प्रभारी रवि मोदी ने बताया कि यात्रा के उपरांत 7 बजे से श्याम भजन संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध श्याम भजन गायक निशा शर्मा, गोविंद शर्मा और सिवनी की गायिका अनुशिखा अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुति दी गई। श्याम संकीर्तन में 56 भोग, केसर, चंदन, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा और श्याम रसोई की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए की गई थी। संकीर्तन में नागपुर से श्री श्याम सेवा म्यूजिकल ग्रुप द्वारा संगीत सेवा, श्याम दरबार की भव्य श्रृंगार सेवा ग्रीष्मलानी नागपुर द्वारा की गई। समिति ने सभी धर्मावलंबियों, सभी धार्मिक बंधुओं का दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया है। यहाँ देख सकते हैं आप, हाथ में निशान लिए हुए निशान यात्रा बहुत अनुशासित तरीके से यहाँ गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। नेहरू रोड का ये नज़ारा दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अलग अलग रंगों के ध्वज, श्याम के दीवाने चले श्याम के दरबार। राम मंदिर से निकली यात्रा, देखिए यहाँ पर इत्र का छिड़काव भी हो रहा है, फूलों की होली भी खेली जा रही है, फूल भी, पुष्प वर्षा भी यहाँ हो रही है। और नेहरू रोड पर ये देखिए, यहाँ पर छिड़काव इत्र का जगह जगह लोगों के द्वारा इस यात्रा के स्वागत में पलक पांवड़े बिछा दिए गए थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्री श्याम परिवार समिति द्वारा खाटू श्याम बाबा की विशाल निशान यात्रा शनिवार को निकाली गई और ये यात्रा शुक्रवारी स्थित श्री राम मंदिर से आरंभ होकर नेहरू रोड, दुर्गा चौक, ढीमरी मोहल्ला होती है, महावीर मड़िया, छिंदवाड़ा चौक होती है, नागपुर रोड पर बालाजी गुरुकुल स्कूल के सामने श्याम धाम में जाकर ये संपन्न हुई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बाबा श्याम के दीवाने झूमते गाते यहाँ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाबा श्याम के प्रति दीवानगी अलग ही आपको नजर आ रही होगी। श्याम भक्तों की एक अलग अनुभूति यहाँ होती है, एक अलग आपको यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर पुष्प वर्षा और तरह तरह से स्वागत किया जा रहा है इस शोभा यात्रा का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। नेहरू रोड से गुजरकर ये आगे बढ़ता हुआ श्याम भक्तों का कारवां आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए झूमते नाचते गाते श्याम भक्त, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, अधेड़ सभी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। महिलाओं का उत्साह, बच्चों का उत्साह, युवाओं का उत्साह, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। पानी
कि पानी भी, ये देखिए यहाँ पर पुष्प वर्षा भी इनके ऊपर की जा रही है। श्याम के दीवानों की बात ही कुछ अलग है। फूल बिछाए गए हैं मार्ग में श्याम के दीवानों के लिए। ये यहाँ पर रास्ते में इस शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर श्याम के दीवानों ने की। बाबा श्याम का दरबार सिवनी में नागपुर रोड पर निर्माणाधीन है। श्री श्याम समिति के द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है कि इसके निर्माण में वे पूरा पूरा सहयोग प्रदान करें, ताकि बाबा खाटू श्याम का सिवनी में दरबार बहुत भव्य निर्मित हो सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ढोल बज रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहे होंगे ढोल बजाने वाले भी पूरी तरह उत्साहित ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके के नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जब बजाने वाले भी बाबा श्याम की दीवानगी में पूरी तरह रत नज़र आ रहे हों। इस तरीके का नज़ारा अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। बाबा श्याम का दरबार, जो निर्माणाधीन दरबार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती हुई और शाम ढलते ही यात्रा अपने गंतव्य की ओर पहुँचती हुई आपको दिख रही होगी। यहाँ पर निशान सारे एकत्र कर रखे गए हैं। वास्तव में बहुत धार्मिक आपको एक अनुभूति होती है, एक के बाद एक निशान लेकर, ध्वज लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं श्रद्धालु एक के बाद एक। यहाँ देखिए अब अंदर पहुँच रहे हैं बाबा श्याम के दरबार के करीब। 3 बजे के लगभग ये यात्रा श्री राम मंदिर से आरंभ हुई। शनिवार 16 नवंबर 2024 को नेहरू रोड ढीमरी मोहल्ले होते हुए महावीर मढ़िया और महावीर मढ़िया के उपरांत ये नागपुर रोड में खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर पहुंची। यहाँ पर ये देखिए पूजन पाठ चल रहा है और लोग बाबा खाटू श्याम की पूजन करते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे। शिव की नगरी में इस तरीके के दृश्य अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं। और कार्तिक माह, मार्गशीर्ष माह वैसे भी भगवान को समर्पित माह माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। धोनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ आप देख सकते हैं ये भजन कीर्तन, शाम का समय भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा है और किस तरह भजन कीर्तन में झूमते हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए जो भी गायक हैं उनके द्वारा श्रोता जब थोड़ा सा वे भी श्रोता भी गाने लगते हैं तो माइक श्रोताओं की तरफ कर उनका उत्साह भी बढ़ाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा धर्म प्रभाग आरंभ कराया गया है, जिसमें धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित मान्यताओं, किंवदंतियों आदि जानकारों से जो भी जानकारी संग्रहित की जाती है वो आपके साथ साझा की जाती है। आप उसे देखना ना भूलिए। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।